टाइम। इन तुच्छे राक्षसों को छोड़ महासुर का संहार करना है। आ एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर ओटीटी पर होगी रिलीज। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मचाएगी धमाल। आज हर तरफ एक ही फिल्म का जलवा देखने को मिल रहा है और वो है साउथ इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर। फिल्म के रिलीज से पहले ही फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा था। अब इसी बीच मेगा स्टारर फिल्म आरआरआर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गौरतलब है कि फिल्म आरआरआर को सिनेमाघरों में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार थिएटर्स में फिल्म्स के 8 से 10 हफ्तों के बाद फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर हिंदी में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी, तो वहीं तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ में Zee5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। खबरों के मुताबिक फिल्म को दो प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज करने का फैसला मेकर्स की तरफ से लिया गया है, हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया खबरों के अनुसार एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर को करीब 550 करोड़ के बजट में बनाया गया है। वहीं फिल्म की कमाई की बात करें तो रिलीज के महज 4 दिन के अंदर ही फिल्म ने 500 करोड़ का तगड़ा बिजनेस कर लिया है। बॉक्स ऑफिस किंग राजामौली ने जूनियर एनटीआर और रामचरण के किरदार को भव्य अंदाज में पर्दे पर दिखाया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बाहुबली फेम डायरेक्टर की इस फिल्म से बॉलीवुड स्टार अजय देवगन और एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने साउथ इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया है। बॉलीवुड के साथ साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी इन स्टार्स का जलवा देखने को मिल रहा है। आलिया और अजय देवगन की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। आरआरआर की रफ्तार में उड़ा बॉक्स ऑफिस, द कश्मीर फाइल्स का तोड़ा रिकॉर्ड। रामचरण, आलिया भट्ट, अजय देवगन, जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म आरआरआर ने तो मानो दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली है और आए दिन फिल्म धमाकेदार कमाई कर रही है। 550 करोड़ के बजट में बनी फिल्म आरआरआर ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि लगता है मानो वो कमाई के मामले में कुछ अलग ही करने की ठान चुकी है। आरआरआर न केवल हिंदी बल्कि साउथ की सभी भाषा में और साथ ही विदेशों में भी जमकर पैसे छाप रही है। बता दें फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन धूम मचा कर रख दी। दूसरे दिन यानी शनिवार को भी फिल्म ने छप्पड़ फाड़ कमाई की। वहीं तीसरे दिन यानी संडे को भी रामचरण और जूनियर एनटीआर की फिल्म में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और अब चौथे दिन यानी सोमवार को वीकेंड पर भी फिल्म बड़ी संख्या में दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने में कामयाब रही। कह सकते हैं कि एक तरफ आरआरआर ने सुनामी की तरह दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में भी नए रिकॉर्ड सेट किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म आरआरआर ने अनुपम खेर स्टारर फिल्म द कश्मीर फाइल्स के पहले सोमवार के कलेक्शन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कश्मीर फाइल्स ने पहले सोमवार को 14.8 करोड़ का कारोबार किया था, वहीं आरआरआर ने पहले सोमवार को 18 करोड़ का बिजनेस किया है। पहले संडे के कलेक्शन को लेकर कहा जा रहा है कि जहां आरआरआर ने 31.50 करोड़ का कलेक्शन किया, वहीं अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ की सूर्यवंशी ने 26.54 करोड़ और गंगूबाई काठियावाड़ी और द कश्मीर फाइल्स का कलेक्शन किया था। बात करें आरआरआर की तो इसे देश भर में 5000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। ये फिल्म हिंदी, तमिल, मलयालम भाषा में भी डब की गई है। अब तक की सबसे बड़ी रिलीज के रूप में जानी जाने वाली फिल्म आरआरआर को हिंदी मार्केट्स में बिगेस्ट संडे ओपनर का श्रेय भी दिया गया है। आपको बता दें कि फिल्म आरआरआर ने वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है और इसने ओपनिंग डे पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन 223 करोड़ रहा था। कौन है आरआरआर के विलन से स्टीवेंसन? इससे पहले थॉर में दिखा चुके हैं दम। एसएस राजामौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म आरआरआर 25 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि रिलीज होने के बाद इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस फिल्म में रामचरण, आलिया भट्ट, जूनियर एनटीआर, अजय देवगन जैसे मजबूत स्टार कास्ट है। फिल्म के इन किरदारों के बारे में लगभग लोग जानते हैं। आज हम आपको फिल्म आरआरआर के विलन के बारे में बताने जा रहे हैं। आप फिल्म राजामौली की है तो इसमें विलन भी खास ही होगा। आरआरआर में विलन का किरदार रे स्टीवेंसन ने निभाया है। आइए जानते हैं कौन है रे स्टीवेंसन।
फिल्मों में जितना अहम किरदार हीरो या हीरोइन का होता है उतना ही दमदार रोल एक विलेन का भी होता है। सोचिए फिल्मों में अगर विलेन ना होते तो फिल्में कितनी बोरिंग हो जाती। RRR के विलेन की बात करें तो इस फिल्म में हॉलीवुड एक्टर रे स्टीवेंसन ने खलनायक का किरदार निभाया है। वो इस फिल्म में ब्रिटिश ऑफिसर की भूमिका में है। रे स्टीवेंसन एक हॉलीवुड अभिनेता है और इन्हें साल 2007 में रिलीज हुए टीवी शो रोम और फिल्म किंग ऑथर में पहचान मिली थी। आज की तारीख में स्टीव 50 से ज्यादा फिल्मों और सीरीज में काम कर चुके हैं। रे स्टीवेंसन ने मार्वल स्टूडियोज के अंतर्गत बनी अमेरिकी सुपर हीरो वाली फिल्म थॉर में बोल्स्टैक का किरदार निभाया था। फिल्म RRR की बात करें तो ये देशभक्ति पर बनी एक फिल्म है और इसे क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम पर बनाया गया है, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। SS राजामौली के निर्देशन में बनी इस फिल्म का बजट करीब 550 करोड़ रुपए है। क्या है जूनियर NTR का फुल फॉर्म? इस वजह से अभिनेता को दिया गया उनके दादा नाम। साउथ सुपरस्टार जूनियर NTR की फिल्म RRR 25 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं। ये मेगा बजट फिल्म रिलीज के अपने शुरुआती दौर में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। क्रांतिकारियों पर बनी इस फिल्म में अभिनेता जूनियर NTR कोमाराम भीम की भूमिका में है, जो फिल्म के मुख्य किरदार है। जिस तरह से फिल्म RRR को लेकर दर्शकों के मन में उसका पूरा नाम जानने की उत्सुकता है, उसी तरह से सुपरस्टार जूनियर NTR के नाम की फुल फॉर्म भी जानने को लेकर फैंस में जिज्ञासा होती होगी। हालांकि कुछ को उनका पूरा नाम पता भी होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं। चलिए जानते हैं क्या है जूनियर NTR के नाम की फुल फॉर्म और क्यों उनके दादा के नाम पर रखा गया उनका नाम। अगर फिल्म RRR की बात करें तो इसके टाइटल से जुड़ा एक किस्सा SS राजामौली ने कपिल शर्मा शो में सुनाया था। दरअसल इस फिल्म के नाम का टाइटल शुरुआत में एक्टर रामचरण के R, जूनियर NTR के R और निर्देशक राजामौली के R को जोड़कर रखने का आइडिया था। हालांकि शो के दौरान राजामौली ने बताया था कि इस फिल्म के नाम के तौर पर RRR टाइटल लिया गया था, बल्कि इसे हैशटैग के रूप में प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन धीरे धीरे ये नाम लोकप्रिय हो गया और दर्शकों के साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी नाम पसंद आया। इस तरह से फिल्म का नाम RRR रखा गया। हालांकि फिल्म के टाइटल की फुल फॉर्म बिल्कुल अलग है। फिल्म RRR का नाम तो लोगों की जुबान पर रटा हुआ है, लेकिन कुछ ही होंगे जिनको इसकी फुल फॉर्म पर भी ध्यान दिया होगा। RRR का मतलब है राइज रॉर रिवॉल्ट, यानी उदय दहाड़ विद्रोह, क्योंकि फिल्म की कहानी क्रांतिकारियों की है। ऐसे में टाइटल पूरी तरह से सोच समझ कर रखा गया है। अगर बात तमिल भाषा की करें तो RRR का फुल फॉर्म रुद्रम रणम रुधिरम है। तो चलिए जान लेते हैं आखिर अभिनेता जूनियर NTR के नाम का फुल फॉर्म क्या है। सुपरस्टार NTR के नाम को न सिर्फ साउथ में बल्कि पूरे देश में जाना जाता है। अगर बात उनके पूरी नाम की करें तो अभिनेता का पूरा नाम है नंदमुरी तारक रामा राव। आगे बताते हैं क्यों उनके नाम के आगे जूनियर लगता है। जूनियर NTR आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक नंदमुरी रामा राव के पोते हैं और उन्हीं के नाम पर अभिनेता का नाम भी रखा गया है। दरअसल कहा जाता है कि NTR के परिवार में अपने पूर्वजों का नाम शामिल करने की परंपरा है। अभिनेता का नाम अपने दादा के नाम पर था, इसीलिए NTR के आगे जूनियर भी लगा दिया गया। I mean, Jaipur is not a city which is very high. Totally. Yes.
But all of
एटीट्यूड है सर, ये आपने कहाँ से लाया सर? आप अपने गुरु के टच हो, माता पिता के टच हो, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा क्वेश्चन सर, जब आप ये फिल्म बना रहे थे तो आप दोनों सर को कैसे एक साथ लाए इस फिल्म में, कैसे इनको बोला कि आप दोनों एक साथ काम करो इस फिल्म में? या बोथ ऑफ देम आर माय यंगर ब्रदर्स, राइट? एंड इफ आई वांट टू डू समथिंग, so if you want to go on a very, if you want to go on a very difficult journey, सेंटर नुष्का, सेंटर नहीं है, जमीन कुमार नहीं आपने नुष्का, सेंटर सेंटर और सेंटर, अरे रुकिए 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 रुकिए, अरे रुको जरा, अरे बैकग्राउंड क्लियर कीजिए, सेंटर सेंटर सेंटर, आपके सेंटर में हूँ मैं एकदम सेंटर। Yeah.
to transfer this chemistry. So, यार होता ही है जब आपकी दोस्ती होती है किसी के साथ और then you get to work with that person, तो मुझे लगता है chemistry आती है, फिर काम में भी chemistry आती है. I think there's a comfort zone me and Nikita have cracked where we can work together very very comfortably. But I know what you mean to say. All right, Nikita, how about you? Well, I totally agree with him. I mean, I have this certain comfort level of working with Jubin. Also, he's very easy to work with. So, yeah, I think probably that has easily been translated on screen. Wow. That's amazing. Well, this is, I believe, your first ever single with T-Series. Yes. So, how was it working with the whole team? And, of course, Jubin, how was the whole experience? Absolutely lovely. I think when we talk about music videos, they are by far the best ones here in the industry. So it is an honor, a privilege to be here working with them. And their team is a delight to work with. I have had one of the best times shooting with everybody, even behind the camera. So can just say thank you for being so supportive and making sure I had a great time. क्या बात है. All right, moving on. Jubin, बहुत पहले, back in your days, आपने Nikita के एक अमेजिंग चीज के लिए आपने गाना गाया था और एक दूसरे के वास्ते इट वाज दिस थिंग व्हिच यू नो. सो हाउ इज दैट एंड हाउ इज इट नाउ द वाइब विद हर बिकॉज यू सैंग इट फॉर हर देन. अभी कैसा है? सवाल कोई भी पूछो यहीं से पकड़ के, यहाँ से पकड़ के वहीं आता है बार बार. तो देखिए, When I sang for her for the first time, हम लोग उस वक्त हमारी मुलाकात हुई थी. हमें नहीं पता था कि we'll do such a beautiful song together eventually. And I didn't know that she's gonna be my first on-screen wife. You know what I mean? So, I mean, this was just, I think it was written like this. We met then and eventually हम लोग की दोस्ती जो है बड़ी बड़ी बड़ी, फिर हमने गाना साथ में करा. इसलिए chemistry अच्छी आ रही है. And आप कुछ और पूछ ले यार. Must agree to that. Well, बातें बहुत हो गई. अभी जुबीन स्टेज पे हैं. आई थिंक इट्स टाइम फॉर हिम टू सिंग अ फ्यू लाइंस ऑफ मस्त नजरों से. लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर जुबीन नौटियाल. हियर वी गो. बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना, बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना. यार एक सेकंड सर, थोड़ा सा रिवर्ब काट दूँ, लेट आ रही है. कैन आई कॉल द म्यूजिक टीम ऑन विद मी प्लीज सर? प्लीज, आप लोग साथ रहेंगे स्टेज पे तो मुझे हिम्मत ज्यादा आएगी गाना गाने के लिए. प्लीज कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर मनोज मुंतशीर जी एंड रोचक कोहली इन द हाउस. गिव इट अप. देखिए, इंस्ट्रूमेंट है नहीं हमारे पास. आइए मनोज सर, आप गाएंगे? जी जी. नहीं ना, भूषण जी बैठे हुए हैं वहाँ. इसके बाद में टी सीरीज के बाहर नजर आऊंगा. शुरू कर दें. बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना, बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना. जुल्फ से जब पानी झटका तूने झुमके, हाय ऐसी खूबसूरत भूल बैठे हम जराफत. लौट आई पागल आंखें तुझको चूमके, इश्क थाया जहर चढ़ गया था, इश्क थाया जहर चढ़ गया था. होश में आज तक आना पाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए. आशिकी कातिलों की गली है, आशिकी कातिलों की गली है. जीते जी कोई वापस ना आए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए. थैंक यू. Give it up, ladies and gentlemen. All right, this song has been arranged by Aditya Dev ji. Wo wahan par baithe hain. Give it up for him. It's a lovely, lovely song. Thank you so much.
please come on stage. All right, it's time for me to invite the main man here, the MD and the chairman of T-Series, Mr. Bhushan Kumar. May I please have you on stage? Talia! Sir, what a beautiful song. And aap hamesha bahut different concepts pe work karte hain aur bahut acche acche gaane leke aate hain. Audience bahut pyar karti hai. You know, I just want to understand ki ye gaane ka concept aur ye zehn mein kaise aaya. See, ye hamara third in a row is mood ka gaana hai. First we did Lut Gaye, that was also with Zubin, and then we did Dil Galti Kar Baitha Hai, that also was with him. And now this one, Mast Nazaron Se. And I think Manoj ji was only amazing, and Zubin, they both were common in this song. So ye jo melody hai, means it is our Indian melody, and this type of songs never fail, means, and ye hum bachpan se is type ke melody sunte aa rahe hain. To hamara T series mein yahi rehta hai ki main jo cheez public sunna chahti hai, we try and make that. To meri kafi Manoj ji se बैक एंड फोर्थ होता है लिरिक्स को लेके, एंड इवेंचुअली देन वे हम हार्ड वर्क करके ये चीज़ अचीव कर पाते हैं. सो मींस इट्स ऑल टीम वर्क एंड इट्स नॉट ओनली माय जॉब और थिंक. यस, द सीट कम्स फ्रॉम अस, क्योंकि वी आर सिटिंग इन द मार्केट एंड वी कम टू नो व्हाट पीपल वांट्स टू लिसन मोर. सो उसके हिसाब से फिर पूरी टीम साथ में होती है एंड देन बैक एंड फोर्थ करके चीज़ें बनती है. उसके लिए आपको मनोज जी ज़्यादा बताएंगे कि मैं कितना इनके साथ हमारा झगड़ा होता है, मतलब लेकिन फॉर द गुड वर्क. और हमेशा जब झगड़ा होता है तो पहली बार जब फीडबैक आता है तो मुझे लगता है यार मैंने इतना अच्छा लिखा था, भूषण जी को पसंद ही नहीं आया, तो 15 मिनट में अपसेट रहता हूँ और फिर लिखना शुरू करता हूँ जो भूषण जी ने पॉइंटर्स बताए होते हैं. बाय द टाइम वी रीच थर्ड और फोर्थ ड्राफ्ट, और ये भी बता दूँ मैं कि मैं भूषण कुमार के अलावा किसी के लिए दूसरा ड्राफ्ट नहीं लिखता. तो तीसरा चौथा ड्राफ्ट आते आते मुझे भी लगता है कि जो भूषण जी ने पहला रिजेक्ट किया था वो रिजेक्ट होने लायक था, चौथा वाला सही है, यही बनना चाहिए था. एक चीज़ भूषण जी ने बताई नहीं, मैं ज़रूर बताऊंगा कि एज ए कंपनी टी सीरीज हमेशा जो देश के हालात हैं उन पे हम एक बहुत कीन नज़र रखते हैं. मुझे याद है इस गाने को बनाने के पहले मेरी जब मुलाकात हुई थी, रोचक भी थे, मैं, भूषण जी, रोचक, भूषण जी ने एक बात कही थी कि बहुत दुख दर्द से गुजरा है देश अभी पैंडमिक के दौरान. हम अगर थोड़ी स्माइल्स दे पाएँ, थोड़ी मुस्कराहटें दे पाएँ, थोड़ी खुशियाँ दे पाएँ म्यूज़िक के माध्यम से, तो ये मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए. तो मुझे लगता है कि बाकी सब कुछ, ये पहली मोहब्बत का गाना है, पहली नज़र के प्यार का गाना है, मोहब्बत के सेलिब्रेशन का गाना है, लेकिन ये टी सीरीज़ का एक गिफ्ट भी है इस देश को कि देखो हंसने के, मुस्कराने के, खुश रहने के मौसम वापस आ गए हैं, खुश रहो सब लोग. Give it up, ladies and gentlemen. क्या बात है सर. एक और आखिरी सवाल है आपसे, ये जानना चाहता हूँ, ये जो ट्रायो खड़े हैं ना यहाँ पे, जुबीन, मनोज एंड रोचक, इनको आप हमेशा यू नो यू यूज देम इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे. सो यू नो आप इनको क्यों मतलब हमेशा चूज करते हैं? नहीं, ये फैमिली है. एक फैमिली है, मैंने आपको जैसे बताया, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं. एंड हम तो फैमिली मानते हैं, आई थिंक रोचक भी मानता होगा टी सीरीज को. सो वी ऑलवेज से कि इट्स अ टी सीरीज फैमिली. एंड अभी भी जब ये गाना रिलीज हुआ है एंड ही इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन 3, 4, 5 आई डोंट नो मैनी मैनी सॉन्ग्स विच वी आर डूइंग. सो इट्स ऑलवेज मीन्स ये हमारा कम्फर्ट लेवल है, दे अंडरस्टैंड मी. नहीं तो नॉर्मली म्यूजिक कंपोजर्स और लिरिसिस्ट अपनी बात पर अटक जाते हैं कि नहीं हमें यही करना है, लेकिन आई नो मीन्स दे ये कभी नहीं अटकते बिकॉज दे अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. मैं कुछ अपनी ईगो के लिए नहीं बोलता, नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ तो वो सही है. मैं जेन्युइनली जो चीज़ पब्लिक को ठीक लगेगी उस हिसाब से एडवाइस देता हूँ एंड दे टेक दैट एडवाइस. सो वो जैसे अभी ये अभी हम बात कर रहे थे, बीच में एक पार्ट था जो जहाँ पे शी इज़ डांसिंग, दैट वॉज नॉट देयर बिफोर. बिफोर वी वर मेकिंग वेरी रोमांटिक सॉन्ग, फिर मैंने इनको बोला यार एक पार्ट वहाँ पे डालो जो वहाँ पे द फीमेल फीमेल कैन, हाँ वहाँ पे सरगम डालो, वहाँ पे परफॉर्मेंस आ सके. या गिव अप लेडीज एंड जेंटलमैन. ऑलराइट, शादी हमेशा यार ब्राइड और ग्रूम के अलावा ब्राइड के जो बेस्ट मैन होते हैं और ब्राइड्स मेड होती है वो लोग इस शादी को कंप्लीट करते हैं. मे आई प्लीज आस्क बोथ ऑफ यू टू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज. लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स हिमांश कोहली एंड अनुष्का सेन. गिव इट अप लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार ताली हो जाए.
आपके लिए सवाल है यार, आप बेस्ट मैन, ब्राइड्स मेट, कमिंग टुगेदर, आप एक्सपीरियंस कैसा है? सो द एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग. ये जो गाना है ये इतना ब्यूटिफुल गाना है कि जब हम शूट कर रहे थे ये लग ही नहीं रहा था शूट है, क्योंकि जो होली सीक्वेंस था एंड जो डांस परफॉर्मेंस था, सारे पार्ट्स इतने ब्यूटिफुली हमने शूट किए कि इट एक्चुअली फेल्ट लाइक वी वर अटेंडिंग अ वेडिंग जेन्युइनली. एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जुबिन सर, एंड ऑल्सो आई हैव टू से दैट इट्स माई सेकेंड टाइम आई एम डूइंग अ सॉन्ग विद टी सीरीज एंड इट्स लवली टू मीट यू सर. आई हैव टू से दैट just being a part of a song which is so beautiful, I'm just very happy that jaise unhone kaha ki ye gana is just for people to smile and spread smiles, so I'm very happy that I'm a part of it. And we had a great time together shooting and it was just amazing. Ashish sir is a very very good director sir. He has given inputs which has made the song look so great, so it's the teamwork. Hats off to the team of TC, is the entire team, the dancers, the choreographers, everybody. ऑलमोस्ट सभी कवर हो गया, लेकिन आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड, जब ये गाना शुरू हुआ तो इट स्टार्टेड विद अ प्रैंक. राज चाना हिट कॉल्ड मी, उन्होंने मुझसे बोला कि जुबिन की शादी हो रही है. सो मैं भी ऐसी शॉक्ड हो गया, एंड देन ही टोल्ड मी कि भाई हम तो घर वाले लड़के वाले, तो हमें तो पूरी तरह से इसमें रंग डालना है. सो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, और धीरे धीरे वो माहौल और क्रिएट होते गया. शिवम, सोनल सब उसमें मिलते गए. And then finally, I was told that this is going to be a song. इसके बीच में मैंने उन्हें कॉल भी कर दिया था ये पूछने के लिए कि हो रही है नहीं हो रही है, कपड़े सिलवाने हैं नहीं सिलवाने, जल्दी बताओ. अभी भी क्वेश्चन है, हो रही है नहीं हो रही है सर. मैं इसीलिए कि ये प्रमोशन स्टंट है, इसीलिए मैं पूरे स्टेज पे सबके सामने देखा नहीं, अभी भी छुपा रहा था, ये दोनों छुपा रहे थे इस बात को. तो बाबा बता दो असली में कपड़े सिलवाने नहीं. मतलब मेरा अगला सवाल यही है कि यार आपने रील में तो बता दिया कि आप उसके बेस्ट मैन है, तो अभी रियल लाइफ में कभी बन रहे हो बेस्ट मैन? मुझे लगता है रियल लाइफ में मुझे बेस्ट मैन बनना पड़ेगा, क्योंकि अगली शादी गलत जगह तीर डाल रहे हो बाबा. अभी कहानी शुरू हुई है. सो अगेन कमिंग विद द एक्सपीरियंस, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, वंडरफुल टीम, स्टार्ट्स विद माय डायरेक्टर आशीष भाई. हम लोग सेट पे, आशीष एंड मी हैव बीन कनेक्टेड सिंस यारिया, और मैं इस चीज़ में डेफिनेटली मानता हूँ कि मेरा बेस्ट काम आशीष भाई निकलवाते हैं मुझसे, वेदर इट वॉज यारिया और वेदर इट वॉज द कमिंग सॉन्ग्स. हमने बीच में वफा ना रासाई किया, बेवफा भी किया, द एंटायर एल्बम्स सॉन्ग्स वर रियली गुड. एंड मोर देन दैट आई वुड लाइक टू थैंक सर, क्योंकि सर इतने अमेजिंग सॉन्ग्स, लास्ट ईयर वॉज अ कम्प्लीट रोलर कोस्टर, सो मच टू get it from the audience, so much love I was getting. So thank you for making me a part of all these songs, sir. And Ashish bhai, thank you. Ye heroism aur ye jitna hai ye sara aapki wajah se aata hai yahan pe, jis tarah se aap use dikhate ho, aur usse bhi badi cheez hamare jab projects create hote hain to wo jo base start hota hai, it starts from here. So thank you Bhushan sir again. All right, may I please request Mr. Ashish Panda to please come on stage. Give it up, ladies and gentlemen. He's the director of this lovely song. मेरा सवाल आपसे यही है कि इतना ब्यूटीफुल, इतना ग्रैंड, और जो शॉट्स आपने लिए हैं, एक बहुत सारी चीज़ें, एंड मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछनी है, वो जो गाल से गाल गुलाल लगाने वाला वो जो सीन है, वो आप मतलब कैसे, मतलब कहाँ से जहन में आया ये? कैसे सोचा बताइए. थैंक यू सुनील सर, ये आपने इतनी अच्छे से इसको कलरफुली दिखाया है एक्चुअली, एंड थैंक यू डेबो. बाकी ये जो रोमांस है, एक्चुअली एक्टर्स भी काफ़ी कुछ ऐड कर लेते हैं, हम तो थोड़े से सोचते हैं कि कम लगाना और धीरे से ही कुछ करना और बहुत कुछ कर जाते हैं. बाकी बट सर का विजन बहुत अच्छा है, वो जब आते हैं ना वो हमें बताते हैं ना तो इतना पैशनेटली बताते हैं कि हमें ईजी हो जाता है करने के लिए. सही में थैंक यू. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू जुबिन, रोचक एंड मनोज. यार आप बैक टू बैक हिट्स दे रहे हैं, यू नो एक चीज़ होती है कि यार हमने गाना बना दिया एंड देन इट वेंट टू अ सर्टेन पॉइंट, बट इट्स बैक टू बैक. हाउ डू यू कीप चर्निंग सच अमेजिंग सॉन्ग्स? रोचक, स्टार्टिंग विथ यू. आई थिंक एक तो वो मैजिकल ट्रायो वाली बात नहीं है, इट्स द मैजिकल पंच, क्योंकि यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल भूषण सर इज़ विद अस, सो ही इज़ ऑलवेज गाइडिंग, जैसे इन्होंने बोला. सो आई थिंक
it's not about, you know, we receiving his inputs. It's also he listening to us, you know, all the time. So I can, you know, call him at 12 in the night and he'll pick up my phone. So, you know, and that's, I think, Jubin, with you also, Manoj, you, with you also, right? Totally. So thank you, sir, for being such, you know, amazing person. And of course, Aditya, because Aditya is the guy who, you know, produces our music. So wo jo sara amazing beats hai aur sara amazing music hai wo Aditya ka hai. So it's the magical punch. So इन्होंने ये जो बात बोली ना कि भूषण सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं गानों पे फीडबैक देने के लिए, ये बात लोगों को फिगरेटिव लग रही होगी, मुहावरा लग रहा होगा, ये सच है. 12:30 बजे रात में जगा के मैंने एक लाइन पूछी थी, सर ये कैसी लग रही है. एंड आई मैंने बाद में वॉश, ये तो एकदम इसमें ये ठीक है, वो ठीक नहीं है, इसको हटा दो, वो बदल दो, एकदम जैसे कि दिन के 12 बज रहे हूँ. And when I disconnected, I realized I had called him at 12:30 in the night and he responded to that call. और ऐसे बात की जैसे कि ये हम साथ बैठ के कोई गाना बना रहे हूँ. तो दैट इज़ द पावर, द करिश्मा एंड दैट इज़ द मैजिक ऑफ बीइंग भूषण कुमार. एक बार तालियां इस चीज़ के लिए. क्या बात. और जब आप मुझसे पूछते हैं कि भाई आपके सारे गाने हिट हो रहे हैं, तो मैं ईमानदारी से बता दूँ, टी सीरीज के बाहर वाले मेरे हिट नहीं हो रहे हैं. That's it, all about it. Jubin, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? यार, I would just like to say कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हम लोग को एक पहला गाना निकालने का मौका मिला था सर, मेरी आशिकी. उस वो पहला गाना था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था. अभी लॉकडाउन खत्म हो रहा है और हम आ गए. उसमें भी शुरुआत आई थी, बारिशें आ गई चली गई, और इसमें भी है बारिशों का ये महीना. सेम डायरेक्टर, सेम कंपोजर, सेम राइटर एंड मी. मेरा नहीं था, मुझे फायर कर दिया गया अंडर ऑल. अच्छा, रश्मि विराक था. ये आपके लकी चार्म डायरेक्टर हैं, am I, if I'm not... Yes, तो जितने भी गाने मैंने और आशीष भाई ने साथ में करें, वो इवेंचुअली दे हैव, यू नो, मतलब हम लोग की एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी, मतलब जैसे बोलते हैं ना, दो दो तीन तीन साल, चार चार साल गाने चल रहे हैं, उस तरह का उसका है. तो इट्स जस्ट स्पेशल. I think God has given us this chance to work together and make this beautiful music together, Adi bhai, and all under sir. He really puts in a lot of himself in the song every time, and wo passion, jab aapki team ke captain mein utna passion hota hai to fir team ko lagta hai ki abhi aur mehnat karni hai, we have to pull out better songs. So I think that's where we are at. So yeah, thank you. All right, give it up ladies and gentlemen for the whole team here. Well, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि निकिता का फेवरेट गाना है तो आ गए हम उसके कुछ लाइंस, अगर आप निकिता के लिए. I know. तू ही ज़हन में शाम सवेर, तेरी ही लब पे बात है, तुझसे मिला हूँ मैं जिस जगह पे, अब वो जगह भी खास है, उसकी तरफ ही ले जाते हैं मुझको ये मेरे कदम. तो आ गए हम, तो आ गए हम, तो आ गए हम ओ सनम. Thank you. Thank you. All right, now the stage is open for questions from the media. Please, एक-एक करके आप अपने सवाल पूछ. मुझे याद है दिव्या जी ने जब डायरेक्शन स्टार्ट किया था यारियां के पहले, तो उन्होंने ज़्यादा आपके एल्बम्स और जो आपके प्राइवेट सॉन्ग्स हैं उन्हीं पर उनका डायरेक्शन किया था. जी. और मैंने अक्सर नोट किया है कि बड़ी बड़ी जो फिल्मों के ट्रेलर लॉन्च आपके होते हैं उन्हें आप भले मिस कर दें, लेकिन इस तरह से जो सॉन्ग्स होते हैं जो आप लोगों का इन हाउस क्रिएशन होता है उसे आप कभी मिस नहीं करते, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है. मीन्स फिल्म्स ऑब्वियसली म्यूजिक इज़ आर फर्स्ट थिंग, मतलब पहली चीज़ हम, मैंने जब से काम संभाला है मैंने मेनली म्यूज़िक पे ही सबसे पहले म्यूज़िक ही शुरू किया था, तो ऑब्वियसली वो चीज़ है. लेकिन जो आप बात बोल रहे हैं वैसा नहीं है, जितनी फिल्में हमारी होती हैं उसमें ऑब्वियसली मैंडेटरी मुझे जाना ही पड़ता है ट्रेलर लॉन्च पे,
तो किसी पे मिस किया होगा जब मैं नहीं होऊंगा कंट्री में, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट. अभी नाउ फिल्म डिवीजन एंड माय म्यूजिक डिवीजन बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू अस. हेलो भूषण सर, मेरा सवाल आपसे है कि व्हाई डिड यू थिंक जुबिन एंड निकिता वर द बेस्ट कपल फॉर दिस सॉन्ग? सी देयर एज जुबिन आल्सो सेड, यू नो द केमिस्ट्री, जिस तरीके की आप देख रहे हैं वीडियो में, वो बहुत अच्छी लग रही है सबको, और वही हम हमने पहले सोची थी. एंड उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आई थिंक जुबिन बताएगा. हकीकत बताओ ना जो जिस वजह से किया. हम सब जानना चाहते हैं वो सच, वो ये बताएगा. इसने हमें, मुझे बताने से मना किया हुआ है. नहीं, कुछ ऐसे है नहीं बताने के लिए, सब टांग खींच रहे हैं इस वक्त. मैं बता सर, टांग खींच रहे, इतना लंबा कर दिया टांग खींच खींच के इन्होंने. तो फिर इतनी जो तुम्हारी पिक्चर्स आई हैं, ज्वेलरी शॉप पे जा रहे हो, ये सब करो, वो सब बहुत देखा. सर गाने भी गाए हैं, सर गाने भी गाए, गाना गा रहे हो तब भी शी सिटिंग देयर. सर हम लोग एक्चुअली हम लोग दोस्त भी हैं, और हम लोग बस ज्वेलरी शॉप में क्यों, दे आर जस्ट गुड फ्रेंड्स. Just good friend, really. मनोज जी आप बताइए ना, ज्वेलरी शॉप वगैरह ऐसे थोड़ी कोई जाता है. सब देखा मैंने, सब देखा. नहीं, और नहीं, बोलेंगे सर, ये बोलेंगे, आ रहे हैं. देखिए दो दोस्त साथ में खाना भी खा सकते हैं, कॉफ़ी भी पी सकते हैं, कुछ अगर शॉपिंग करनी है शॉपिंग भी करने जा सकते हैं. बम्बई में अब जैसे मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहता हूँ, आप भी अपने परिवार के साथ नहीं रहती है, तो खैर हम लोग फिर साथ में कभी चले कॉफ़ी पी ली इस तरह से. बट हर चीज़ को अंडरलाइन नहीं करना चाहते हम लोग यहाँ पर. So, अभी नहीं सर, अब माफ कर दीजिए. गाना रिलीज हो गया सर. चलो ठीक. नथिंग, आई थिंक उन्होंने काफी क्लियरली कहा है कि बहुत अच्छे दोस्त हैं. एंड सही बात है कि हम दोनों अपने माँ बाप के बिना रहते हैं शहर में. सो कई बार ऐसा होता है, यू नीड अ कंपेनियन टू गो आउट, टू हैव अ नाइस कप ऑफ कॉफी, टू गो आउट फॉर अ लंच. So, उसके लिए आई थिंक आई हैवन्ट फाउंड अ बेटर कंपनी. आई लव हैंगिंग आउट विद हिम. तो बस इतना ही है जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं. आज आप लोग बढ़वाई दोगे गाड़ी इतनी, मुझे ऐसा लगता है. सब लोगों को जानना है कि आप शादी कब कर रहे हैं. नहीं सर, नहीं कर रहे शादी सर, अभी ऐसा कुछ है नहीं. मतलब ये गाने का ही शादी है, सब कंफ्यूजन हो गया. इस गाने में जो हमारी शादी हुई है वही है. जुबिन, आप जब पर्दे पर आते हैं तो बहुत ही हैंडसम लगते हैं, और मेरे ख्याल से टी सीरीज ने भी आपको अप्रोच किया होगा कि फिल्म में आ जाओ, और भी बाकी लोगों ने अप्रोच किया होगा. मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपके मन में है फिल्मों में एक हीरो के तौर पर आना? सर इतनी मेहनत के बाद आज सिंगिंग करने का मौका मिल रहा है, इतनी मीडिया आई है यहाँ देखने मुझे. आई वुड लाइक टू मेंटेन दैट. और फिल्मों में भी ऐसा कुछ भी आने का मन नहीं है अभी. मनोज जी आप बता रहे थे कि भूषण जी बहुत सारे इनपुट्स देते हैं. कभी आपको लगता है कि भूषण जी एक पूरा गाना लिखेंगे, और भूषण जी के मन में है ये बात कि मतलब इतना टैलेंट है तो वो लिखे उनका नहीं, गाना नहीं, एकदम नहीं है ये. नहीं नहीं, देखिए यही तो बात है. भूषण जैसे रोशक ने एक बात आप अभी आपसे कही कि भूषण जी इनपुट्स देते हैं. भूषण जी का काम है इंस्पायर करना. भूषण जी का काम है हमारे लिए रोड मैप बनाना. भूषण जी का काम है मुझे ये बताना कि पोइट्री एक जगह, शायरी एक जगह, म्यूज़िक एक जगह, लेकिन ये एक दुनिया है बहुत बड़ी. ये दुनिया क्या सुनना चाह रही है, पूरी दुनिया में क्या सुना जा रहा है, किस तरह का म्यूज़िक सुना जा रहा है, वो इस देश में इनसे अच्छा कोई नहीं समझता. तो उस तरह हमें ये एनरिच करते हैं कि इस गली में जाओ, इस इलाके में जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ, शायद कोई अच्छी चीज़ बन जाए. हाय, दिस इज़ रवि गुप्ता हियर फ्रॉम फिल्मी फीवर. मेरा सवाल जुबिन और मनोज सर आप दोनों से है जी. आप सभी जो गाने आप रिक्रिएट कर रहे हैं, आपने बचपन में कहीं ना कहीं सुने होंगे, आपके दिल के करीब होगा. ओके, तो कितना चैलेंजिंग, कितना प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है, या कितना आप एक्साइटेड हो जाते हैं रिक्रिएट वर्जन को लिखने के लिए, गाने के लिए, और एक नए एनर्जी के साथ, नई बोल के साथ लोगों के बीच ये वायरल भी हो जाए, तो कुछ अंदर से फील तो होता होगा, वो कुछ व्यक्त करना चाहेंगे आप? आप शुरू करें, मनोज ज्वाइन करता हूँ. मनोज जी का कॉन्फिडेंस देख के मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है. नहीं देखिए, एक चीज़ तो मैं बताऊँ, मैंने ये बात पहले भी कही है कि जब हमने गाने रिक्रिएट करने शुरू किए, जो भी हमने गाने रिक्रिएट किए, और जब मैं हमने कह रहा हूँ तो आई एम स्पीकिंग फॉर टी सीरीज ऑल्सो,
हमने कभी गाने इसलिए नहीं बनाए कि देखो जो ओरिजिनल था वो ठीक नहीं था, हम अच्छा करके दिखाते हैं। हमने हमेशा गाने इसलिए बनाए कि जो ओरिजिनल था वो इतना अच्छा था लेकिन वक्त की धूल जम गई उस पर, हम वो धूल झाड़ के इसको वापस लाना चाहते हैं। नए बच्चों को, जो जेंजी हमारी जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसको नहीं पता कि उस्ताद जी क्या गा के चले गए, उनको सुनाओ, नए कलर में सुनाओ, नए फ्लेवर के साथ सुनाओ, नए वीडियो के साथ सुनाओ। तो हमेशा मकसद ये रहता है। हम अटमोस्ट रेस्पेक्ट के साथ गाने रिक्रिएट करते हैं, कभी कोई गुरूर, कोई ईगो उसमें शामिल नहीं होता, डर शामिल होता है, ये बात सही है। लेकिन जितने भी लोग हैं, वो चाहे जुबिन हो, मैं हूँ, रोचक हूँ, आदि हों, भूषण जी हों, हम लोग ये बहुत बार सोचते हैं कि जिस गाने को हम हाथ लगाने जा रहे हैं इसकी प्योरिटी को क्या हम बड़ा कर पाएंगे। कितने गाने हमने शुरू किए अबॉर्ट कर दिए क्योंकि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, भूषण जी का फ़ोन आ गया, उतना अच्छा नहीं बन रहा है मनोज, जाने दो इसको। बहुत सारी मेहनत गई हुई, दो दो महीने काम किया हुआ, हमने उसको अबॉर्ट कर दिया इसलिए कि शायद ओरिजिनल के मुकाबले हम कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे। तो ये जो विनम्रता है म्यूज़िक को अप्रोच करने की, वो एज ए कंपनी, एज ए लेबल टी सीरीज़ के साथ हमेशा रहती है। और जब तक ये पोलाइटनेस, जब तक ये विनम्रता, ये सादगी बनी रही, मुझे कोई शक नहीं है कि हम हिट पे हिट गाने रिक्रिएट भी करते रहेंगे और नए भी बनाते रहेंगे। मेरा सवाल, बहुत केमिस्ट्री का बड़ा जिक्र करा जा रहा है और केमिस्ट्री दिख भी रही है, और एक गाना बनाने का प्रोसेस होता है भाई, हफ्ता लग गया या 10 दिन लग गए और गाना कंप्लीट हो गया। आप दोनों की जो मुलाकातों का दौर चला, कॉफ़ी और कभी शॉपिंग, उस टाइम पे केमिस्ट्री बनाई जा रही थी या यू नो उसके बाद की केमिस्ट्री बन जाए फिर गाने पे काम करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री वहाँ दिखनी चाहिए। नहीं एक्चुअली, तो क्या केमिस्ट्री बनाने में कितना टाइम लगा? हम लोग पकड़े बोलना गलत वर्ड हो गया, बट हम लोग, आप लोग ने हम लोग को पकड़ा इस तरह से कॉफ़ी पीते हुए बहुत बाद में। हम लोग तो पहले भी मिलते थे, पहले भी हम लोग इनफैक्ट जानते एक दूसरे को बहुत समय से है, 4-5 साल से जानते हैं। तो उस टाइम से एंड जस्ट वी हैव बीन इन टच फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इट्स जस्ट कोइंसिडेंटल कि उस टाइम पर ये जो जो भी आप लोगों ने देखा है हमें बाहर जाते हुए एंड ये जो वीडियो, इट्स वेरी कोइंसिडेंटल। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक दैट ऑफ कोर्स इज रिफ्लेक्टिंग इन द सॉन्ग द केमिस्ट्री। हेलो जुबिन, नेहा देसाई फ्रॉम आजतक। हाय, मेरा सवाल है कि मनोज जी के और भूषण जी की केमिस्ट्री का तो हमें आइडिया है, अंदाज़ा लग गया, पर आप दोनों की केमिस्ट्री का क्या है, आपका और भूषण जी का? टी सीरीज़ का एक लंबी जुगलबंदी रही है ना। देखिए, ऐसे बहुत सारी मोमेंट्स रहे हैं जब भूषण जी ने मुझे गाना भेजा और मुझे समझ ही नहीं आया गाना कि कैसा गाना है, कि कैसे करूँगा, इसमें वीडियो क्या होगा। बट दैट्स वेयर trust comes in. I have trusted him, and every time I've trusted him it has paid off all of very very well. That song has worked. Us gaane ne bahut credential diya, us gaane ne bahut pyar diya, us gaane ne aage aur naye gaane karne ka mauka diya. So ye ek aisi line of work hai, yahan par aapki jo result hai work ka wohi apne aap mein chemistry hoti hai. So mujhe lagta hai meri aur Bhushan ji ki chemistry pichle 5 saal se hum log saath mein kaam kar rahe hain. एंड इतने डाइवर्स म्यूज़िक कंपोजर्स, इतने डाइवर्स राइटर्स, इतने कमाल के प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला कि आप लोग भी जब मेरा पूरा ग्राफ देखेंगे करियर का, आप देखेंगे किस तरह से ग्रो करने का हर बार आर्टिस्ट को मौका मिल रहा है इसमें। सो दैट्स ऑल हैंड्स ऑफ टू दिस मैन, ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग एंड ही इज़ वेरी गुड एट इट। थैंक यू। हाय आशीष, थैंक यू, मैं बोल रहा हूँ। ऑलराइट, वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू भूषण जी, मनोज जी और जुबिन, आप तीनों का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आजकल जिस तरीके का म्यूज़िक चल रहा है, वैसे समय में जहां हिप हॉप, रैप और तेज़ फास्ट पेस्ड और ढिकचिक ढाकचिक वाले म्यूज़िक चलते हैं, वहां पर फिर से मेलोडी और मीनिंगफुल लिरिक्स आप लोग लेकर आए हैं। पहले तो भूषण जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जनता की नब्ज आपने फिर से कैसे पकड़ी, और जुबिन आपको तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मतलब आप मखमली आवाज़ के बादशाह हो, और लिखने में मनोज जी का तो कोई सानी है नहीं। आप तीनों बताना चाहेंगे कि जनता की नब्ज कैसे पकड़ते हैं, और कहीं डर रहता है कि पिछले गाने से जो रिकॉर्ड बना है उसको तोड़ना है, उससे बेहतर कैसे किया जाए? देखिए ऑनेस्टली, एज अ सिंगर, जब भी व्हेन आई कम ऑन बोर्ड तब तक बहुत सारा काम हो चुका होता है। मेरा काम तो सिंगिंग करना है बाद में। There's a lot of hard work that goes behind the song. मतलब महीनों की मेहनत होती है, वो भूषण जी, मनोज भाई, रोचक भाई,
आदि भाई, आशीष भाई, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ बैकलॉग वर्क दैट गोज ऑन बिफोर वी कम एंड शूट इट एंड सिंग इट. सो डेफिनेटली आई थिंक इसके बारे में आपको, किसी को भी मैं माइक दूँ यहाँ पर, सब बता पाएंगे कितनी मेहनत उससे पहले लगती है. सी एज फार एज आपने बोला कि जो एक नर्व्स है आपने किस तरीके से, ये मैं बहुत टाइम पहले भी बोल चुका हूँ, दिस हैज़ कम फ्रॉम माई फादर. मेरे पापा जब पहले बहुत, हम पहले एल्बम्स ही बनाते थे, बहुत नॉन फिल्म एल्बम बनाई, लाल दुपट्टा मलमल का वगैरह सबको बहुत याद होगी. आशिकी भी जो फर्स्ट आशिकी बनी थी, पहले एल्बम बनी थी और फिर उसके बाद वो फिल्म में कन्वर्ट हुई थी. तो आई गेस वो एक इनहेरेंट मेरे फादर से मेरे अंदर एक वो म्यूज़िक को सिलेक्ट करने की एक पावर जो आई है, दैट इज़ अ ब्लेसिंग. एंड उसी चीज़ को हम एक्सप्लोर करते रहते हैं और उसको और बेटर बनाए रखते हैं. और प्लस जिस टाइप का सपोर्ट हमें हमारे लिरिसिस्ट से मिलता है, मनोज जी से, कंपोज़र से, और उससे उसको और बेहतर बना लेते हैं. ऑलराइट, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. मे आई प्लीज आस्क नीरज कल्याण सर टू प्लीज कम ऑन स्टेज, एंड देवा सुरेश नायर जी प्लीज कम ऑन स्टेज, एंड दिस अमेजिंग डीओपी सर सुनील पटेल जी प्लीज join the whole team on stage, and the entire music team please come on stage. Sonal, Raj, yeah. Shivam, Vivin, please come on stage. Sonal, ye puri music team ki mehnat hai jo aap dekh rahe hain. Kahan gaye aap log? They are very important people. Raj babu, I am Sonal, aa jao. Ve Shivam is gone. शिवम अगले गाने पे काम करने जा चुके हैं.
ओ धनंजय Lovely meeting you. Lovely meeting you. No, no, absolutely no. Nothing I could do about it. Thank you so much. And that's one for ma'am also. You're the lucky charm. Lovely.
Everyone, please put your hands together for Sir. Your mere presence has made this occasion special for all of us. Also, I thank everyone present here for making time from their busy schedule and being here at the event. A big thanks to all of you. Well, we all know that coffee makes life better. Our mornings refreshing and our evenings memorable, right? So keeping this in mind, Third Wave Coffee has finally chosen Lokhandwala as its new destination for everyone, right from people who have just started their coffee journey to seasoned coffee lovers. We invite you all to experience the goodness of our handcrafted coffee. Now, I would like to call upon Mr. Sushant Goyal, the CEO. I request everyone to please capture this moment. Thank you so much. We have a bunch in Delhi in the north, and we're now launching the west with Mumbai. We plan to have roughly about 30 cafes in Mumbai in the next 6 months or so. So we are very excited. We are very excited to be bringing the brand from Bangalore now to Bombay. And not only to coffee aficionados, but people who enjoy food, who enjoy a lovely ambiance. This is of course a perfect first setting, but look forward to many more of these. The other thing that I want to really mention today is that Mumbai is a very important city for us, not only because it's the commercial capital of India, but because a lot of the brand values, which are energy, transparency, care, and we are not the heroes of the product, it's the team at the back. If you see them, they are the partners, they are the heroes of the product, the brand. They actually resonate a lot of those values, right? So whether it is energy, transparency, care, hard work behind each and every cup of coffee, that's what they put in, day out. So, we are very proud that we have entered Bombay, which is very synonymous with our values, and we want to make Third Wave a massive success here. So welcome everyone. I'll take some questions later on, but I think, Arshad wanted to spend a few minutes. Would love for him to say a few words. And क्या आप पूछना चाहोगे कुछ कि मैं ऐसे कुछ भी बके घर चले जाऊं? Anybody wants to ask me anything? Yeah, तो तुम का एक कॉफी पीने आते हैं ना सबके साथ? Sir, how do you like the setup? I think it's very nice. Yeah. It's very beautifully done, very tastefully done. It's nice to have a place जहाँ पे ना दिल करता है जाने का. वो मजा आता है. So I think it's very very tastefully done. So yeah, it's a place where I would like to hang out. Love to come. And coffee's good, definitely. And I'm very honest. Are you a coffee lover? Big time. My day starts with coffee. What's your favorite coffee? Don't ask me bad questions, man. Right here, you want to ask me? All right. He's just tried our cup today. Yeah. And the answer is only going to be one moving forward. Right? Yeah. So it's going to be Third Wave Coffee. Yeah, you can just say it. It's going to be. So I am a big time coffee guy. I have my day starts with coffee. It ends with coffee. And that's what keeps me moving throughout the day also, I'll be honest. Because post-lunch, couple of hours, you're going to go to sleep. So that's what happens. So yes, coffee means a lot to me. And good coffee means a hell of a lot to me. I basically have Nespresso. And I'll tell you honestly, one of the flavors that I'm fond of in that is the one that is India, which I think is from India. And I'm happy that we have coffee that belongs to our country. And we do make fabulous coffee, it's just that we don't promote it that much. And we are so fascinated by the West and things that come across the border that we get, we enjoy that.
But I think we here have one of the finest and the best coffees one can ever have. I'm having one of them right now. I'm so promoting this chef. I want to be a part of this. Yes, okay. Have you ever had a coffee date? Yeah. I tried, nobody was going out. And I'm married and she will beat you and be both. No. Yeah, actually one has gone with coffee, of course. When you're trying to be polite and then just moves on to coffee to dinner. Any coffee date in Mario? No. I used to work for them. No. But yeah, coffee, you know, it's very funny. Mario and me have been at a we were working together, we became friends and we suddenly got married. So it was like that. It was not. I think we went on a date post marriage. Who picks coffee in the house? Me. Maria only goes for friends. I have been making my cup of coffee. I'm not kidding, this is not a lie. I'm not just saying it. All my life, till today, the first cup of tea or coffee that I have in the morning made by me. I make it. And there's a valid reason. One, I'm a very early riser. And nobody else gets up in the house, so I have no choice but to make it myself. And I like my coffee the way I like it. How do you like your coffee? Okay, I'm going to tell you a secret. So I choose a good coffee, okay? And I think it's going to be third wave from now on. I promise I'm not saying it because I'm here. It's really good. You taste the coffee, no, I'm not talking about it. Good coffee. And I like to add a bit of hazelnut flavoring in it. That's how I like it. So it tastes good. It gives a little tinge of hazelnut. All the coffee. Ashar, how many cups of coffee you have in a day, and when? What is the? When do you have a coffee? I mean, when is My day actually starts about 4:35 in the morning. I get up at that time. That's when I have my first coffee. And when I'm going on my way to shoot, there's another cup of coffee. When I reach there at about 10:30, there's another little bit of coffee. And by evening at 4 o'clock, I have another cup of coffee. I need to go and see a doctor. That's a lot of coffee. That's a lot of coffee. Anything else? Yeah, all good. What's the coffee pairing you like? You can really ask me anything else. I will not mind. What's the favorite pairing with your coffee? I told you, I said I like hazelnut. No, like food pairing. Food pairing. Oh, no food. Nothing. I don't like anything. I just like coffee. Coffee is good. All good. Done. I'm running. Sorry for being late. I couldn't help it. My director will leave me. Roji Roji will leave me. Not everybody leaves. I mean, accepted that. That's a part of it. All right. Excellent. Excellent. Thanks, Ajay. Thanks. Thank you. Appreciate it. Thank you. Thanks. Thank you. Third way, third name. Yeah. So what do you want to say about it? Okay, so my involvement here is basically that the place belongs to me, that's it. A lot of people wanted to hire the place and all that, and we're just trying to see which is a place that will work or whatever. Let's say I would like to come or people would like. I felt coffee is one. The other factor is that Third Wave actually has everything very Indian, which I like. You know, the coffee is very Indian, comes from the south. They do all the work themselves. Everything is here. And that is what I like. You know, not because it's Indian, it's actually damn good coffee here. Like, as I was telling, as a Nespresso, they have the variety that comes from all over the world. But usme, my favorite one, which I actually had and I liked, was Indria, which is actually Indian. And I realized that we actually make damn good coffee. So, and I kept wondering, why isn't, you know, somebody really... So I realized that these guys do. They do everything themselves, and, you know, which is great. So okay, I said, yeah, so nice guy, nice place, and the whole ideology towards coffee is pretty good.
Okay, so if you want to bring any of your co-star over here, so who will be? I don't think मेरा ऐसा कोई special नहीं हो जिसके साथ काम कर रहा हूँ they'll be here. So ऐसा ही है whoever I'm working with will be coming if I come here. तब मेरे खुद के आने के problem में तो I think मंगाएंगे. I think I have a feeling के wherever I'm shooting, I will be ordering coffee from them. That I think I'll do. Okay, so after the success of Bachchan Bande, what do you don't mean? Lie, it's not a success. No, sir. No, I think it was a good film, but unfortunately it happened. Some things work. I feel ke it has just, it went through a bad patch. Yeah. There were various things that made it not as successful that it should have been. It's a big film, it needed to generate a lot more money. Yeah. But I think still it has, it's not a loss film, it didn't go in a loss, it's covered his money, so it's all fine. Do you think it is an OTT effect on it? OTT effect yeah. on it? I don't know if it's an OTT effect on it. I think, okay, I've got an answer, but I can't give it, so I'm not going to give it. let's not get to that. Okay, so it's a different space. What are your opinions? I am actually, I'm right now shooting for a film called Jeevan Bhima Yojana, which I'm so enjoying. It is not funny. It's a hilarious thriller. Yeah. It's like a crime thriller done by the most innocent people of the society. Yeah. Okay, and I've got Sanjeeva Sheikh with me. I got Pooja Chopra with me. I've got Vijay Raz and Vijayendra Kala and Abhishek Dongra. It's such a fun script. It's so much fun. I had to do it. So I'm doing that, and then I'll be off to Chandigarh for the last schedule of Banda Singh. I've got another 1 week to go, and that'll be done. This should be done in another 15-20 days max. Any OTT? No, Asur is releasing now. I think by June, July, August, Asur should be. Quiet Children. And the Birds of Asur one was fantastic. I actually like, I'm not saying it because Asur is releasing. Honestly, I'm telling you, Asur 2, I find better than better in a sense, it's more exciting, more thrilling. It's more on the edge of the seat, all that thing. Asur 2 has it. And we can see Asur 3 also, sir? I have a very strong feeling. Because I feel if people liked Asur 1, 2 they will love. Which means 3 might happen. So I don't know. Thank you so much. Pleasure is all mine. That's 2 minutes, please. Sir, yeah, just one. That's our entire team. सब लोग फोटो निकाल बता रहा हूँ कॉफी अच्छी नहीं मिली तो पकड़ लेना है सर बहुत बड़ा गाना एक फोटो ये सभी सुनो मार जरा सुनो अरे अरे रुक जा नीचे आ रे चल सर 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 ए छोटू अरे को दे दे रुक रुक जा Welcome, Megastar, the Hong
start. Sir, generally any director or any actor come to Jaipur and whenever I talk to them, I feel ki main aise baat karungi, kuch bhi baat karungi apne. Lekin when you are here after watching Bahubali 2, I am like, sir, aise plana boy ye boy. Samay hua kar liya. So first of all, can I say this, sir? So first of all, welcome to Jaipur. So sir, Jaipur, is it your first time you visit Jaipur? First thing was, I was here for a movie called Shakti. And I fell in love with this city. I fell in love with... I mean, Jaipur is not a city which is very... Fine, totally, please. Jaipur is not a city which shows creativity to the world that it is. This is the true Jaipur, right? From theatre, which I have done theatre. So, really what, my movie is just Bahubali was two parts which we shot for 5 years. RRR is one single film which we shot for about 2.5 years. So roughly the same thing, but 4 years. But actually running years was 2.5 years. Sir, when we talk about RRR, Ramraju played by Ram Charan and Kumaran Bhim played by ATR. But it is not a historical there were very fine, interesting coincidences. They were born and we don't know what happened to them for a period of 3-4 years. Then police officers in the same modus operandi, attacking the police stations, stealing the guns, telling the people to use their weapons and carry on the fight for freedom. Sitaram Raju for the tribals of Visakhapatnam area and Congress. I mean, the idea itself was interesting. What if they do have met in that years of absence? What if they inspired each other to become what they have become in their real life? A nice day of friendship. It will be an underlying thing, but it's mainly about friendship and the emotional bond between them. That I found very interesting. So that's what is RRR about. I take a little bit ahead with this thing. Is there another mic? Yeah, yes, sir. Rich in yes, richness, everything. Then there is another poverty, you know, which made me felt very, very bad. No, but that is not the story that I had heard from my childhood. Of course there was poverty, of course there was bad famines in the country, but this is only one thing where the story that I have heard from my ancestors, from the folklore, from our Siddhartha, and been my own story. So that's the reason why I put a fictional game, and it's going to be something much, much bigger than what the Western world told, whatever the world. Second thing, I want to meet the man who is with Bahubali 2, like, कैसे बनाई होगी, क्या क्या कितना काम किया होगा, लाइक मुझे लगता है सर आप 5 साल में सोए नहीं होंगे सर. सो ऐसा एंड द थर्ड थिंग, जो मेरे जो जितने फीमेल फ्रेंड्स हैं, सो उन्होंने आपके लिए दे से सेम आई हाय टू रामचरण एंड टेल हिम दैट वी लव हिम. सो देयर आर सो मेनी गर्ल्स, सो यू नो हु लव यू. सो माय लव टू ऑल ऑफ देम इन पर्सन हु आर कन्वेइंग देयर रिगार्ड्स and they love to you. How many Jaipuris are here? Okay. I love you, all the Tengu students who are here. You can say you are Prema, Adima, Ipurandali. We have not heard about the Purandari, but today we have lots of Jaipuris here in Jaipur. Yeah, okay. Jai to all the PR fans and students as well. Lastly, a big welcome to Indian students who are here. So,
तारक सर आज तन में जब आप जब मेरे को मालूम चला फ्राइडे को कि आप आ रहे हो तो मैं होली नहीं मना पाया, मैं दो दिन सो नहीं पाया आज सुबह आया उस टाइम में आप लोग की कई बार आप कुछ सपना देखते हो सोचते हो सच होने वाला है अचानक वो हो जाता है फीलिंग सो आई डोंट नो व्हाट टू आस्क बट आई एम सो सर मोबाइल
मोबाइल नीचे रखो ना, फ्लैश फ्लैश में सेंटर नुस्खा सेंटर नुस्खा सेंटर सेंटर ऑन सेंटर। अरे रुकिए 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 रुकिए, अरे रुको जरा, अरे बैकग्राउंड क्लियर कीजिए। सेंटर सेंटर सेंटर, आपके सेंटर में हूँ मैं एकदम सेंटर। अरे कैमरा आ रहा है, या 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 ये यार transfer this chemistry. यार होता ही है जब आपकी दोस्ती होती है किसी के साथ और देन यू गेट टू वर्क विद दैट पर्सन, तो मुझे लगता है केमिस्ट्री आती है, फिर काम में भी केमिस्ट्री आती है। आई थिंक देयर इज अ कंफर्ट जोन मी एंड निकिता हैव क्रैक्ड वेयर वी कैन वर्क टुगेदर वेरी वेरी कंफर्टेबली। हाँ बट आई नो व्हाट यू मीन टू से। All right, Nikita, how about you? Well, I totally agree with him. I mean, I have this certain comfort level of working with Jubin. Also, he's very easy to work with. So, yeah, I think probably that has easily been translated on screen. Wow. That's amazing. Well, this is, I believe, your first ever single with T-Series. Yes, yes. So, how was it working with the whole team? And of course, Jubin, how was the whole experience? Absolutely lovely. I think when we talk about music videos, they are by far the best ones here in the industry. So it is an honor, a privilege to be here working with them. And their team is a delight to work with. I have had one of the best times shooting with everybody, even behind the camera. So can just say thank you for being so supportive and making sure I had a great time. क्या बात है। All right, moving on. Jubin, बहुत पहले, back in your days, आपने निकिता के एक अमेजिंग चीज़ के लिए आपने गाना गाया था और एक दूजे के वास्ते, इट वॉज दिस थिंग विच सो हाउ इज दैट एंड हाउ इज इट नाउ द वाइब विथ हर, बिकॉज यू सैंग इट फॉर हर देन, अभी कैसा है? सवाल कोई भी पूछो यहीं से पकड़ के, यहाँ से पकड़ के वहीं आता है बार बार। तो देखिए, व्हेन आई सैंग फॉर हर फॉर द फर्स्ट टाइम, हम लोग उस वक्त हमारी मुलाकात हुई थी, हमें नहीं पता था कि वी विल डू सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग टुगेदर इवेंचुअली। And I didn't know that she's going to be my first on-screen wife. You know what I mean? So, I mean, this was just, I think it was written like this. We met then and eventually, hum log ki dosti jo hai, badi badi badi, fir humne gaana saath mein kara. Isliye chemistry achhi aa rahi hai. And, aap kuch aur puch le yaar. Must agree to that. Well, baatein bahut ho gayi. Abhi Jubin stage pe hai. I think it's time for him to sing a few lines of Mast Nazaron Se. Yeah! Ladies and gentlemen, give it up for Jubin Nautiyal. Here we go. Barishon ka wo mahina bhul payenge kabhi na, barishon ka wo mahina bhul payenge kabhi na. Yaar ek second sir, thoda sa reverb kaat do, late aa rahi hai. I can I call the music team on with me please sir, please. आप लोग साथ रहेंगे स्टेज पे तो मुझे हिम्मत ज्यादा आएगी गाना गाने के लिए। मनोज मुंतशीर जी एंड रोचक कोहली इन द हाउस, गिव इट अप। देखिए इंस्ट्रूमेंट है नहीं हमारे पास। मनोज सर आप गाएंगे? जी जी नहीं ना, भूषण जी बैठे हुए हैं वहाँ, इसके बाद मैं टी सीरीज के बाहर नजर आऊंगा। बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना, बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना,
जुल्फ से जब पानी झटका तूने झुमके हाय ऐसी खूबसूरत भूल बैठे हम जराफत लौट आई पागल आंखें तुझको चूमके इश्क थाया जहर चढ़ गया था इश्क थाया जहर चढ़ गया था होश में आज तक आ ना पाए मस्त नजरों से अल्लाह बचाए मस्त नजरों से अल्लाह बचाए हुस्न वालों से अल्लाह बचाए आशिकी कातिलों की गली है आशिकी कातिलों की गली है जीते जी कोई वापस ना आए मस्त नजरों से अल्लाह बचाए हुस्न वालों से अल्लाह बचाए थैंक यू Give it up, ladies and gentlemen. All right, this song has been arranged by Aditya Dev Ji. Wo wahan par baithe hain. Give it up for him. It's a lovely, lovely song. Thank you so much. Please, please, please come on stage. All right, it's time for me to invite the main man here, the MD and the chairman of T-Series, Mr. Bhushan Kumar. May I please have you on stage? Taliya! सर व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड आप हमेशा बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने लेके आते हैं ऑडियंस बहुत प्यार करती है यू नो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि ये गाने का कॉन्सेप्ट और ये जहन में कैसे आया है सी ये हमारा थर्ड इन अ रो इस मूड का गाना है फर्स्ट वी डिड लुट गए दैट वाज आल्सो विद जुबिन एंड देन वी डिड दिल गलती कर बैठा है दैट आल्सो वाज विद हिम And now this one, Mast Nazaron Se. And I think Manoj Ji was only Ameez and Zubain, they both were common in this song. So, ye jo melody hai, means it is our Indian melody. And this type of songs never fail, means. And ye hum bachpan se is type ke melody sunte aa rahe hain. To humara T-series mein yehi rehta ki means jo cheez public sunna chahti hai, we try and make that. To meri kaafi Manoj Ji se बैक एंड फोर्थ होता है लिरिक्स को लेके एंड इवेंचुअली देन हम हार्ड वर्क करके ये चीज़ अचीव कर पाते हैं सो मीन्स इट्स ऑल टीम वर्क एंड इट्स नॉट ओनली माई जॉब और थिंक येस द सीट कम फ्रॉम अस क्योंकि वी आर सिटिंग इन द मार्केट एंड वी कम टू नो वॉट पीपल वॉन्ट्स टू लिसन मोर सो उसके हिसाब से फिर पूरी टीम साथ में होती है एंड देन बैक एंड फोर्थ करके चीज़ें बनती है उसके लिए आपको मनोज जी ज़्यादा बताएंगे कि मैं कितना इनके साथ हमारा झगड़ा होता है मतलब लिविंग फॉर द गुड वर्क और हमेशा जब झगड़ा होता है तो पहली बार जब फीडबैक आता है तो मुझे लगता है यार मैंने इतना अच्छा लिखा था भूषण जी को पसंद ही नहीं आया तो 15 मिनट में अपसेट रहता हूँ और फिर लिखना शुरू करता हूँ जो भूषण जी ने पॉइंटर्स बताए होते हैं बाय द टाइम वी रीच थर्ड और फोर्थ ड्राफ्ट और ये भी बता दूँ मैं कि मैं भूषण कुमार के अलावा किसी के लिए दूसरा ड्राफ्ट नहीं लिखता तो तीसरा चौथा ड्राफ्ट आते आते मुझे भी लगता है कि जो भूषण जी ने पहला रिजेक्ट किया था वो रिजेक्ट होने लायक था चौथा वाला सही है यही बनना चाहिए था एक चीज़ भूषण जी ने बताई नहीं मैं ज़रूर बताऊंगा कि एज ए कंपनी टी सीरीज हमेशा जो देश के हालात हैं उन पे हम एक बहुत कीन नज़र रखते हैं मुझे याद है इस गाने को बनाने के पहले मेरी जब मुलाकात हुई थी रोचक भी थे मैं भूषण जी रोचक भूषण जी ने एक बात कही थी कि बहुत दुख दर्द से गुजरा है देश अभी पैंडमिक के दौरान हम अगर थोड़ी स्माइल्स दे पाएँ थोड़ी मुस्कराहटें दे पाएँ थोड़ी खुशियाँ दे पाएँ म्यूज़िक के माध्यम से तो ये मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए तो मुझे लगता है कि बाकी सब कुछ ये पहली मोहब्बत का गाना है पहली नज़र के प्यार का गाना है मोहब्बत के सेलिब्रेशन का गाना है लेकिन ये टी सीरीज़ का एक गिफ्ट भी है इस देश को कि देखो हंसने के मुस्कराने के खुश रहने के मौसम वापस आ गए हैं खुश रहो सब लोग Give it up, ladies and gentlemen. क्या बात है सर एक और आखिरी सवाल है आपसे ये जानना चाहता हूँ ये जो ट्रायो खड़े हैं ना यहाँ पे जुबीन मनोज एंड रोचक इनको आप हमेशा यू नो यू यूज देम इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे सो यू नो आप इनको क्यों मतलब हमेशा चूज करते हैं नहीं ये फैमिली है एक फैमिली है मैंने आपको जैसे बताया अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं एंड हम तो फैमिली मानते हैं आई थिंक रोचक भी मानता होगा इस सीरीज को
So we always say that it's a T-Series family. And अभी भी जब ये गाना रिलीज हुआ है एंड ही इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन 3, 4, 5 आई डोंट नो मेनी सॉन्ग्स विच वी आर डूइंग. सो इट्स ऑलवेज मीन्स ये हमारा कम्फर्ट लेवल है. दे अंडरस्टैंड मी. नहीं तो नॉर्मली म्यूजिक कंपोजर्स और लिरिसिस्ट अपनी बात पे अटक जाते हैं कि नहीं हमें यही करना है. लेकिन आई नो मीन्स दे ये कभी नहीं अटकते बिकॉज दे अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. मैं कुछ अपनी ईगो के लिए नहीं बोलता, नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ तो वो सही है. मैं जेन्युइनली जो चीज़ पब्लिक को ठीक लगेगी उस हिसाब से एडवाइस देता हूँ एंड दे टेक दैट एडवाइस. सो वो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, बीच में एक पार्ट था जो जहाँ पे शी इज़ डांसिंग, दैट वॉज नॉट देयर बिफोर. बिफोर वी वर मेकिंग वेरी रोमांटिक सॉन्ग. फिर मैंने इनको बोला यार एक पार्ट वहाँ पे डालो जो वहाँ पे द फीमेल फीमेल कैन, हाँ वहाँ पे सरगम डालो, वहाँ पे परफॉर्मेंस आ सके. या Give it up, ladies and gentlemen. All right, शादी हमेशा यार ब्राइड और ग्रूम के अलावा ब्राइड के जो बेस्ट मैन होते हैं और ब्राइड्स मेड होती है वो लोग शादी को कंप्लीट करते हैं. May I please ask both of you to please join us on stage, ladies and gentlemen. That's Himansh Kohli and Anushka Sen. Give it up, ladies and gentlemen. जोरदार ताली हो जाए. आपके लिए सवाल है यार, आप बेस्ट मैन ब्राइड्स मेड कमिंग टुगेदर, आप एक्सपीरियंस कैसा है? सो द एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग. ये जो गाना है ये इतना ब्यूटिफुल गाना है कि जब हम शूट कर रहे थे ये लग ही नहीं रहा था शूट है, क्योंकि जो होली सीक्वेंस था एंड जो डांस परफॉर्मेंस था सारे पार्ट्स इतने ब्यूटिफुली हमने शूट किए कि इट एक्चुअली फेल्ट लाइक वी वर अटेंडिंग अ वेडिंग जेन्युइनली. एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जुबिन सर एंड ऑल्सो आई हैव टू से दैट इट्स माई सेकेंड टाइम आई एम डूइंग अ सॉन्ग विद टी सीरीज एंड इट्स लवली टू मीट यू सर. आई हैव टू से दैट just being a part of a song which is so beautiful, I'm just very happy that jaise unhone kaha ki ye gana is just for people to smile and spread smiles, so I'm very happy that I'm a part of it and we had a great time together shooting and it was just amazing. Ashish sir is a very very good director sir. He has given inputs which has made the song look so great, so it's the teamwork. Hats off to the team of T series, the entire team, the dancers, the choreographers, everybody. ऑलमोस्ट सभी कवर हो गया, लेकिन आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड, जब ये गाना शुरू हुआ तो इट स्टार्टेड विद अ प्रैंक. राज चाना हिट कॉल्ड मी, उन्होंने मुझसे बोला कि जुबिन की शादी हो रही है. सो मैं भी ऐसे ही शॉक्ड हो गया एंड देन ही टोल्ड मी कि भाई हम तो घर वाले लड़के वाले तो हमें तो पूरी तरह से इसमें रंग डालना है. सो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, और धीरे धीरे वो माहौल और क्रिएट होता गया. शिवम सोनल सब उसमें मिलते गए. And then finally, I was told that this is going to be a song. उसके बीच में मैंने उन्हें कॉल भी कर दिया था ये पूछने के लिए कि हो रही है नहीं हो रही है, कपड़े सिलवाने हैं नहीं सिलवाने, जल्दी बताओ. अभी भी क्वेश्चन है हो रही है नहीं हो रही है सर. मैं इसीलिए प्रमोशन स्टंट है, इसीलिए मैं पूरे स्टेज पे सबके सामने देखा नहीं, अभी भी छुपा रहा था, ये दोनों छुपा रहे थे इस बात को. तो बाबा बता दो असली में कपड़े सिलवाने नहीं. मतलब मेरा अगला सवाल यही है कि यार आपने रील में तो बता दिया कि आप उसके बेस्ट मैन हैं, तो अभी रियल लाइफ में कभी बन रहे हो बेस्ट मैन? मुझे लगता है रियल लाइफ में मुझे बेस्ट मैन बनना पड़ेगा क्योंकि अगली शादी गलत जगह तीर डाल रहे हो बाबा. अभी कहानी शुरू हुई है. सो अगेन कमिंग विद द एक्सपीरियंस, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, वंडरफुल टीम, स्टार्ट्स विद माई डायरेक्टर आशीष भाई. हम लोग सेट पे आशीष एंड मी हैव बीन कनेक्टेड सिंस यारिया, और मैं इस चीज़ में डेफिनेटली मानता हूँ कि मेरा बेस्ट काम आशीष भाई निकलवाते हैं मुझसे, वेदर इट वॉज यारिया और वेदर इट वॉज द कमिंग सॉन्ग्स. हमने बीच में वफा ना रासाई किया, बेवफा भी किया, द एंटायर एल्बम सॉन्ग्स वर रियली गुड. एंड मोर देन दैट आई वुड लाइक टू थैंक सर, क्योंकि सर इतने अमेजिंग सॉन्ग्स. लास्ट ईयर वॉज अ कम्प्लीट रोलर कोस्टर, सो मच टू get it from the audience, so much love I was getting. So thank you for making me a part of all these songs, sir. And Ashish bhai, thank you. Ye heroism aur ye jitna hai ye sara aapki wajah se aata hai yahan pe, jis tarah se aap use dikhate ho, aur usse bhi badi cheez hamare jab projects create hote hain to wo jo base start hota hai, it starts from here. So thank you Bhushan sir again. All right, may I please request Mr. Ashish Panda to please come on stage. Give it up, ladies and gentlemen. He's the director of this lovely song.
यार मेरा सवाल आपसे यही है कि इतना ब्यूटीफुल, इतना ग्रैंड और जो शॉट्स आपने लिए है, एक बहुत सारी चीज़ें, एंड मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछनी है, वो जो गाल से गाल गुलाल लगाने वाला वो जो सीन है, वो आप मतलब कैसे मतलब कहाँ से जहन में आया ये? कैसे सोचा बताइए? थैंक यू सुनील सर, ये आपने इतनी अच्छे से इसको कलरफुली दिखाया एक्चुअली, एंड थैंक यू डेबो। बाकी ये जो रोमांस है, एक्चुअली एक्टर्स भी काफ़ी कुछ ऐड कर लेते हैं, हम तो थोड़े से सोचते हैं कि कम लगाना और धीरे से ही कुछ करना और बहुत कुछ कर जाते हैं। बाकी बट सर का विजन बहुत अच्छा है, वो जब आते हैं ना वो हमें बताते हैं ना तो इतना पैशनेटली बताते हैं कि हमें ईजी हो जाता है करने के लिए, सही में। My next question is to Jubeen, Rochak and Manoj. यार आप back to back hits दे रहे हैं, you know, एक चीज़ होती है कि यार हमने गाना बना दिया and then it went to a certain point, but it's back to back. How do you keep churning such amazing songs? Rochak, starting with you. I think एक तो वो magical trio वाली बात नहीं है, it's the magical punch. क्योंकि you know, first of all, Bhushan sir is with us, so he is always guiding, जैसे इन्होंने बोला, so I think it's not about, you know, we receiving his inputs, it's also he listening to us, you know, all the time. So I can, you know, call him at 12 in the night and he'll pick up my phone. So, you know, and that's, I think, Jubin, with you also, Manoj, you, with you also, right? Absolutely. So thank you, sir, for being such, you know, amazing person. And of course, Aditya, because Aditya is the guy who, you know, produces our music. So वो जो सारा amazing beats हैं और सारा amazing music है वो आदित्य का है, so it's the magical punch. So इन्होंने ये जो बात बोली ना कि भूषण सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं गानों पे फीडबैक देने के लिए, ये बात लोगों को फिगरेटिव लग रही होगी, मुहावरा लग रहा होगा, ये सच है. 12:30 बजे रात में जगा के मैंने एक लाइन पूछी थी, सर ये कैसी लग रही है, एंड मैंने बाद में वॉश, ये तो एकदम इसमें ये ठीक है वो ठीक नहीं है, इसको हटा दो वो बदल दो, एकदम जैसे कि दिन के 12 बज रहे हूँ. And when I disconnected, I realized I had called him at 12:30 in the night, and he responded to that call. और ऐसे बात की जैसे कि ये हम साथ बैठ के कोई गाना बना रहे हूँ. तो that is the power, the charisma, and that is the magic of being Bhushan Kumar. एक बार तालियां इस चीज़ के लिए. क्या बात. और जब आप मुझसे पूछते हैं कि भाई आपके सारे गाने हिट हो रहे हैं, तो मैं ईमानदारी से बता दूँ, टी सीरीज के बाहर वाले मेरे हिट नहीं हो रहे हैं. That's it, all about it. Jubin, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस? यार, I would just like to say कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हम लोग को एक पहला गाना निकालने का मौका मिला था सर, मेरी आशिकी. उस वो पहला गाना था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था. अभी लॉकडाउन खत्म हो रहा है और हम आ गए, उसमें भी शुरुआत आई थी, बारिशें आ गई चली गई, और इसमें भी है बारिशों का ये महीना. सेम डायरेक्टर, सेम कंपोजर, सेम राइटर, एंड मेरा नहीं था, मुझे फायर कर दिया गया अंडर ऑल. अच्छा, रश्मि विराग था ये आपके लकी चार्म डायरेक्टर हैं, am I, if I'm yes, not... तो जितने भी गाने मैंने और आशीष भाई ने साथ में करें, वो इवेंचुअली दे हैव, यू नो, मतलब हम लोग की एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी, मतलब जैसे बोलते हैं ना, दो दो तीन तीन साल, चार चार साल गाने चल रहे हैं, उस तरह का उसका है. तो इट्स जस्ट स्पेशल. I think God has given us this chance to work together and make this beautiful music together, Adi bhai, and all under sir. He really puts in a lot of himself in the song every time, and wo passion, jab aapki team ke captain mein utna passion hota hai to fir team ko lagta hai ki abhi aur mehnat karni hai, we have to pull out better songs. So I think that's where we are at. So yeah, thank you. All right, give it up ladies and gentlemen for the whole team here. Well, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि निकिता का फेवरेट गाना है तो आ गए हम, उसके कुछ लाइंस अगर आप निकिता के लिए. I know. तू ही ज़हन में शाम सवेर, तेरी ही लब पे बात है, तुझसे मिला हूँ मैं जिस जगह पे, अब वो जगह भी खास है, उसकी तरफ ही ले जाते हैं
मुझको ये मेरे कदम तो आ गए हम तो आ गए हम तो आ गए हम ओ सनम. थैंक यू. थैंक यू. All right, now the stage is open for questions from the media. Please, एक एक करके आप अपने सवाल पूछ. मुझे याद है दिव्या जी ने जब डायरेक्शन स्टार्ट किया था यारियां के पहले, तो उन्होंने ज़्यादा आपके एल्बम्स और जो आपके प्राइवेट सॉन्ग्स हैं उन्हीं पर उनका डायरेक्शन किया था जी. और मैंने अक्सर नोट किया है कि बड़ी बड़ी जो फिल्मों के ट्रेलर लॉन्च आपके होते हैं उन्हें आप भले मिस कर दें, लेकिन इस तरह से जो सॉन्ग्स होते हैं जो आप लोगों का इन हाउस क्रिएशन होता है उसे आप कभी मिस नहीं करते, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है. मीन्स फिल्म्स ऑब्वियसली म्यूजिक इज आर फर्स्ट थिंग, मतलब पहली चीज़ हम मैंने जब से काम संभाला है मैंने मेनली म्यूज़िक पे ही सबसे पहले म्यूज़िक ही शुरू किया था, तो ऑब्वियसली वो चीज़ है. लेकिन जो आप बात बोल रहे हैं वैसा नहीं है, जितनी फिल्में हमारी होती हैं उसमें ऑब्वियसली मैंडेटरी मुझे जाना ही पड़ता है ट्रेलर लॉन्च पे. तो किसी पे मिस किया होगा जब मैं नहीं होऊंगा कंट्री में, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट. अभी नाउ फिल्म डिवीजन एंड माय म्यूजिक डिवीजन बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू अस. हेलो भूषण सर, मेरा सवाल आपसे है कि Why did you think Zubin and Nikita were the best couple for this song? See, there as Zubin also said, you know, the chemistry, जिस तरीके की आप देख रहे हैं वीडियो में, वो बहुत अच्छी लग रही है सबको, और वही हमने पहले सोची थी. एंड उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आई थिंक जुबेन बताएगा. हकीकत बताओ ना जो जिस वजह से किया. हम सब जानना चाहते हैं वो सच, वो ये बताएगा. इसने हमें मुझे बताने से मना किया हुआ है. नहीं, कुछ ऐसे है नहीं बताने के लिए, सब टांग खींच रहे हैं इस वक्त. मैं बता सर, टांग खींच रहे, इतना लंबा कर दिया टांग खींच खींच के इन्होंने. तो फिर इतनी जो तुम्हारी पिक्चर्स आई हैं, ज्वेलरी शॉप पे जा रहे हो, ये सब करो, वो सब सर गाने भी गाए हैं सर, गाने भी गाए, गाना गा रहे हो तब भी शी सिटिंग देयर. सर हम लोग हम लोग दोस्त भी हैं और हम लोग बस ज्वेलरी शॉप में क्यों, दे आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, जस्ट गुड फ्रेंड्स रियली. मनोज जी आप बताइए ना, ज्वेलरी शॉप वगैरह ऐसे थोड़ी कोई जाता है. सब देखा मैंने, सब देखा. और अब बोलेंगे सर, ये बोलेंगे आ रहे हैं. देखिए दो दोस्त साथ में खाना भी खा सकते हैं, कॉफी भी पी सकते हैं, कुछ अगर शॉपिंग करनी है शॉपिंग भी करने जा सकते हैं. बम्बई में अब जैसे मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहता हूँ, आप भी अपने परिवार के साथ नहीं रहती है, तो खैर हम लोग फिर साथ में कभी चले गए कॉफ़ी पी ली इस तरह से. बट हर चीज़ को अंडरलाइन नहीं करना चाहते हम लोग यहाँ पर. सो सर अब माफ़ कर दीजिए, गाना रिलीज हो गया सर. चलो ठीक. आई थिंक उन्होंने काफ़ी क्लियरली कहा है कि बहुत अच्छे दोस्त हैं. एंड सही बात है कि हम दोनों अपने माँ बाप के बिना रहते हैं शहर में. सो कई बार ऐसा होता है, यू नीड अ कंपेनियन टू गो आउट, टू हैव अ नाइस कप ऑफ कॉफ़ी, टू गो आउट फॉर अ लंच. सो उसके लिए आई थिंक आई हैवन फाउंड अ बेटर कंपनी. आई लव हैंगिंग आउट विद हिम. तो बस इतना ही है जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं. आज आप लोग बढ़वाई दोगे गाड़ी इतनी, मुझे ऐसा लगता. सब लोगों को जानना है कि आप शादी कब कर रहे हैं. नहीं सर, नहीं कर रहे शादी सर, अभी ऐसा कुछ है नहीं. मतलब ये गाने का ही शादी है, सब कंफ्यूजन हो गया. इस गाने में जो हमारी शादी हुई है वही है. जुबिन आप जब पर्दे पर आते हैं तो बहुत ही हैंडसम लगते हैं, और मेरे ख्याल से टी सीरीज ने भी आपको अप्रोच किया होगा कि फिल्म में आ जाओ, और भी बाकी लोगों ने अप्रोच किया होगा. मैं जानना चाहता हूँ क्या आपके मन में है फिल्मों में एक हीरो के तौर पर आना? सर इतनी मेहनत के बाद आज सिंगिंग करने का मौका मिल रहा है, इतनी मीडिया आई है यहाँ देखने मुझे. आई वुड लाइक टू मेंटेन दैट. और फिल्मों में अभी ऐसा कुछ भी आने का मन नहीं है अभी. मनोज जी आप बता रहे थे कि भूषण जी बहुत सारे इनपुट्स देते हैं. कभी आपको लगता है कि भूषण जी एक पूरा गाना लिखेंगे, और भूषण जी के मन में है ये बात कि मतलब इतना टैलेंट है तो लिखे उनका नहीं, गाना नहीं, एकदम नहीं है ये. नहीं नहीं देखिए यही तो बात है भूषण, जैसे रोशक ने एक बात आप अभी आपसे कही कि भूषण जी इनपुट्स देते हैं,
भूषण जी का काम है इंस्पायर करना, भूषण जी का काम है हमारे लिए रोड मैप बनाना, भूषण जी का काम है मुझे ये बताना कि पोइट्री एक जगह, शायरी एक जगह, म्यूज़िक एक जगह, लेकिन ये एक दुनिया है बहुत बड़ी, ये दुनिया क्या सुनना चाह रही है, पूरी दुनिया में क्या सुना जा रहा है, किस तरह का म्यूज़िक सुना जा रहा है, वो इस देश में इनसे अच्छा कोई नहीं समझता। तो उस तरह हमें ये एनरिच करते हैं कि इस गली में जाओ, इस इलाके में जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ, शायद कोई अच्छी चीज़ बन जाए। हाय दिस इज रवि गुप्ता हियर फ्रॉम फिल्मी फीवर। मेरा सवाल जुबीन और मनोज सर आप दोनों से है जी। आप सभी जो गाने आप रिक्रिएट कर रहे हैं आपने बचपन में कहीं ना कहीं सुने होंगे, आपके दिल के करीब होगा, ओके तो कितना चैलेंजिंग, कितना प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है या कितना आप एक्साइटेड हो जाते हैं रिक्रिएट वर्जन को लिखने के लिए, गाने के लिए, और एक नए एनर्जी के साथ, नई बोल के साथ लोगों के बीच ये वायरल भी हो जाए, तो कुछ अंदर से फील तो होता होगा, वो कुछ व्यक्त करना चाहेंगे आप? आप शुरू करें, मैं ज्वाइन करता हूँ। मनोज जी का कॉन्फिडेंस देख के मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है। नहीं देखिए, एक चीज़ तो मैं बताऊँ, मैंने ये बात पहले भी कही है कि जब हमने गाने रिक्रिएट करने शुरू किए, जो भी हमने गाने रिक्रिएट किए, और जब मैं हमने कह रहा हूँ तो आई एम स्पीकिंग फॉर टी सीरीज ऑल्सो, हमने कभी गाने इसलिए नहीं बनाए कि देखो जो ओरिजिनल था वो ठीक नहीं था, हम अच्छा करके दिखाते हैं। हमने हमेशा गाने इसलिए बनाए कि जो ओरिजिनल था वो इतना अच्छा था, लेकिन वक्त की धूल जम गई उस पर, हम वो धूल झाड़ के इसको वापस लाना चाहते हैं। नए बच्चों को, जो जेंजी हमारी जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसको नहीं पता कि उस्ताद जी क्या गा के चले गए, उनको सुनाओ, नए कलर में सुनाओ, नए फ्लेवर के साथ सुनाओ, नए वीडियो के साथ सुनाओ। तो हमेशा मकसद ये रहता है, हम अटमोस्ट रेस्पेक्ट के साथ गाने रिक्रिएट करते हैं, कभी कोई गुरूर, कोई ईगो उसमें शामिल नहीं होता, डर शामिल होता है, ये बात सही है। लेकिन जितने भी लोग हैं, वो चाहे जुबिन हो, मैं हूँ, रोचक हूँ, आदि हूँ, भूषण जी हों, हम लोग ये बहुत बार सोचते हैं कि जिस गाने को हम हाथ लगाने जा रहे हैं इसकी प्योरिटी को क्या हम बड़ा कर पाएंगे, कितने गाने हमने शुरू किए अबॉर्ट कर दिए क्योंकि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, भूषण जी का फ़ोन आ गया, उतना अच्छा नहीं बन रहा है मनोज, जाने दो इसको। बहुत सारी मेहनत गई हुई, दो दो महीने काम किया हुआ, हमने उसको अबॉर्ट कर दिया इसलिए कि शायद ओरिजिनल के मुकाबले हम कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे। तो ये जो विनम्रता है म्यूज़िक को अप्रोच करने की, वो एज ए कंपनी, एज ए लेबल टी सीरीज के साथ हमेशा रहती है, और जब तक ये पोलाइटनेस, जब तक ये विनम्रता, ये सादगी बनी रही, मुझे कोई शक नहीं है कि हम हिट पे हिट गाने रिक्रिएट भी करते रहेंगे और नए भी बनाते रहेंगे। मेरा सवाल बहुत केमिस्ट्री का बड़ा जिक्र करा जा रहा है और केमिस्ट्री दिख भी रही है, और एक गाना बनाने का प्रोसेस होता है भाई, हफ्ता लग गया या 10 दिन लग गए और गाना कंप्लीट हो गया, आप दोनों की जो मुलाकातों का दौर चला, कॉफ़ी और कभी शॉपिंग, उस टाइम पे केमिस्ट्री बनाई जा रही थी या यू नो उसके बाद की केमिस्ट्री बन जाए फिर गाने पे काम करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री वहाँ दिखनी चाहिए? नहीं एक्चुअली, तो केमिस्ट्री बनाने में कितना टाइम लगा? हम लोग पकड़े बोलना गलत वर्ड हो गया, बट हम लोग ने हम लोग को पकड़ा इस तरह से कॉफ़ी पीते हुए बहुत बाद में। हम लोग तो पहले भी मिलते थे, पहले भी हम लोग इनफैक्ट जानते एक दूसरे को बहुत समय से है, 4-5 साल से जानते हैं। तो उस टाइम से एंड जस्ट वी हैव बीन इन टच फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो इट्स जस्ट कोइंसिडेंटल कि उस टाइम पर ये जो जो भी आप लोगों ने देखा है हमें बाहर जाते हुए एंड ये जो वीडियो, इट्स वेरी कोइंसिडेंटल एंड ऑफ कोर्स आई थिंक दैट ऑफ कोर्स इज रिफ्लेक्टिंग इन द सॉन्ग द केमिस्ट्री। हेलो जुबिन, नेहा दिस साइड फ्रॉम आजतक। हाय, मेरा सवाल है कि मनोज जी की और भूषण जी की केमिस्ट्री का तो हमें आइडिया है, अंदाज़ा लग गया, पर आप दोनों की केमिस्ट्री का क्या है, आपका और भूषण जी का? टी सीरीज का एक लंबी जुगलबंदी रही है ना। देखिए ऐसे बहुत सारी मोमेंट्स रहे हैं जब भूषण जी ने मुझे गाना भेजा और मुझे समझ ही नहीं आया गाना कि कैसा गाना है, कि कैसे करूँगा, इसमें वीडियो क्या होगा, बट दैट्स वेयर ट्रस्ट कम्स इन। आई हैव ट्रस्टेड हिम एंड एवरी टाइम आई हैव ट्रस्टेड हिम इट हैज़ पेड ऑफ ऑल ऑफ वेरी वेरी वेल। दैट सॉन्ग हैज़ वर्कड, उस गाने ने बहुत क्रेडेंशियल दिया, उस गाने ने बहुत प्यार दिया, उस गाने ने आगे और नए गाने करने का मौका दिया। सो ये एक ऐसी लाइन ऑफ वर्क है, यहाँ पर आपकी जो रिजल्ट है वर्क का वही अपने आप में केमिस्ट्री होती है। सो मुझे लगता है मेरी और भूषण जी की केमिस्ट्री पिछले 5 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं एंड इतने डाइवर्स म्यूज़िक कंपोजर्स, इतने डाइवर्स राइटर्स, इतने कमाल के प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला कि
कि आप लोग भी जब मेरा पूरा ग्राफ देखेंगे करियर का, आप देखेंगे किस तरह से ग्रो करने का हर बार आर्टिस्ट को मौका मिल रहा है इसमें. सो दैट्स ऑल हैंड्स ऑफ टू दिस मैन. ही नोज व्हाट ही इज डूइंग एंड ही इज वेरी गुड एट इट. थैंक यू. हाय आशीष, थैंक यू. मैं बोल रहा हूं. ऑलराइट, वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज. थैंक यू भूषण जी, मनोज जी और जुबिन, आप तीनों का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आजकल जिस तरीके का म्यूजिक चल रहा है, वैसे समय में जहाँ हिप हॉप, रैप और तेज फास्ट पेस्ड और ढिकचिक ढाकचिक वाले म्यूजिक चलते हैं, वहाँ पर फिर से मेलोडी और मीनिंगफुल लिरिक्स आप लोग लेकर आए हैं. पहले तो भूषण जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जनता की नब्ज आपने फिर से कैसे पकड़ी, और जुबिन आपको तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मतलब आप मखमली आवाज़ के बादशाह हो, और लिखने में मनोज जी का तो कोई सानी है नहीं. आप तीनों बताना चाहेंगे कि जनता की नब्ज कैसे पकड़ते हैं, और कहीं डर रहता है कि पिछले गाने से जो रिकॉर्ड बना है उसको तोड़ना है, उससे बेहतर कैसे किया जाए. देखिए ऑनेस्टली एज अ सिंगर, जब भी व्हेन आई कम ऑन बोर्ड तब तक बहुत सारा काम हो चुका होता है. मेरा काम तो सिंगिंग करना है बाद में. There's a lot of hard work that goes behind the song. मतलब महीनों की मेहनत होती है वो. भूषण जी, मनोज भाई, रोचक भाई, आदि भाई, आशीष भाई, मतलब there's a lot of backlog work that goes on before we come and shoot it and sing it. So definitely I think इसके बारे में आपको किसी को भी मैं माइक दूँ यहाँ पर सब बता पाएंगे कितनी मेहनत उससे पहले लगती है. सर सी एज फार एज आपने बोला कि जो एक नब्ज है आपने किस तरीके से, ये मैं बहुत टाइम पहले भी बोल चुका हूँ, दिस हैज़ कम फ्रॉम माई फादर. मेरे पापा जब पहले बहुत, हम पहले एल्बम्स ही बनाते थे, बहुत नॉन फिल्म एल्बम बनाई, लाल दुपट्टा मलमल का वगैरह सबको बहुत याद होगी. आशिकी भी जो फर्स्ट आशिकी बनी थी, पहले एल्बम बनी थी और फिर उसके बाद वो फिल्म में कन्वर्ट हुई थी. तो आई गेस वो एक इनहेरेंट मेरे फादर से मेरे अंदर एक वो म्यूज़िक को सिलेक्ट करने की एक पावर जो आई है, दैट इज़ अ ब्लेसिंग. एंड उसी चीज़ को हम एक्सप्लोर करते रहते हैं और उसको और बेटर बनाए रखते हैं. और प्लस जिस टाइप का सपोर्ट हमें हमारे लिरिसिस्ट से मिलता है, मनोज जी से, कंपोजर से, और उससे उसको और बेहतर बना लेते हैं. ऑलराइट, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. मे आई प्लीज आस्क नीरज कल्याण सर टू प्लीज कम ऑन स्टेज, एंड देवो सुरेश नायर जी प्लीज कम ऑन स्टेज, and this amazing DOP sir Sunil Patel ji, please join the whole team on stage, and the entire music team please come on stage. Sonal, Raj, Shivam, Vivin, please come on stage. Sonal, ye puri music team ki mehnat hai jo aap dekh rahe hain. Kahan gaye aap log? They are very important people. Raj babu, hi Sonal, aa jao. Where is Shivam? He's gone. Shivam. 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 Shivam, अगले गाने पे काम करने जा चुके हैं.